हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम टेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 15 के बारे में। ठीक है, कौन सा पार्ट होगा? ये हमारा पार्ट 15 है, ठीक है, हिस्ट्री स्पेशल का। इसके पहले कुल 14 पार्ट आ चुके हैं दोस्तों। जो कोई भी उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले तो उसको रिवाइज़ कर ले। और दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए कि हम लोग इस पार्ट में जो है गुप्त काल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आंसर जो सीरीज चल रहा है यह कहाँ से है, तो गुप्त काल से है। इसमें हम लोग गुप्त काल में जितने भी क्वेश्चन गुप्त काल से रिलेटेड आए हुए हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ठीक है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों, रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो है यह कौन रहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम रजत के सिक्के जारी किए थे गुप्त काल में। ठीक है, तो गुप्त काल में कौन जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य था जिसको गुप्त काल में रूपक या फिर रूपक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था गुप्त काल में? रूपक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था। तो पतन का मतलब क्या है दोस्तों? यह व्यापार जो है, व्यापार की बात हो रहा है, पतन की बात कर रहा है, मतलब कि बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक बंदरगाह से संचालित होता था, किस एक बंदरगाह से होता था सब कुछ काम। ठीक है, तो गुप्त काल में दोस्तों बंदरगाह जो था वह ताम्रलिप्ति था। ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इस बंदरगाह के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों कम से कम कुछ नहीं तो 100 बार तो क्वेश्चन आ ही चुके हैं इस पर। ठीक है, बंदरगाह के बारे में गुप्त काल से, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर आगे जाके कभी क्वेश्चन आया तो हम लोग फंसे ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, कैसा था, क्या था? तो एक बंदरगाह था। ठीक है, ताम्रलिप्ति किसको बोलते, किसको है? तो बंदरगाह का नाम है यह। ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। कहां कहां से होता था? तो दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है, चीन से, लंका से, जावा से, सुमात्रा से आदि देशों से व्यापार होता था। ठीक है, गुप्त काल में पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ। ठीक है, इसके साथ साथ और भी देख लेते हैं कौन कौन से बंदरगाह थे। ठीक है, तो पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भृगु कच्छ। ठीक है, या फिर भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, कैसे देशों के साथ? तो पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध थे? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में जो वस्त्र, जो व्यापार होते थे वह किसके लिए होते थे, किस चीज़ का व्यापार होता था? तो किस चीज़ का होता था, इससे क्या पता चल जाए? वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब कपड़ों के व्यापार जो है यह भारी मात्रा में होते थे। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा होता था? गुजरात में, बंगाल में, दक्कन में, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पे होता था। ठीक है, तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है, वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। मैंने कहा ना कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। किसके लिए फेमस था? तो वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, गुप्त काल जो है यह प्रमुख, इसका प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। ठीक है, गुप्त काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे देख लेते हैं एक बार। ताम्रलिप्ति, ठीक है, यह एक बंदरगाह था। ठीक है, ये क्या था? उसके बाद भृगु कच्छ, भड़ौच, या फिर भृगु कच्छ या फिर भड़ौच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अरिका मेडु, ठीक है, कावेरी पत्तनम, मुजीरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरी कम। ठीक है, तो यह जो है प्रमुख रूप से
जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों गुप्त काल में जो है क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में कौन अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत। ठीक है, आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है, तो चरक एवं सुश्रुत में मिलती है, गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता। ठीक है, गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्य कुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। ठीक है, यह क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, तो फलित ज्योतिष के बारे में पूछ रहा है और चंद्रगुप्त के नौ रत्नों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि चंद्रगुप्त के नौ रत्नों के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में जाके कि चंद्रगुप्त के नौ रत्न कौन कौन से थे। ठीक है, एक बार जान लेंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, फिर एग्जाम में चाहे चंद्रगुप्त का फलित ज्योतिष पूछे, चाहे वास्तुकार पूछे, चाहे जादूगर पूछे, चाहे कवि पूछे, चाहे चिकित्सक पूछे, हर किसी को हम लोग जो है आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जो चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से फलित ज्योतिष जो है कौन था, छपड़क था। ठीक है, छपड़क। ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है छपड़क। ठीक है, यह क्या थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के नौ रत्नों में से एक थे और यह कार्य क्या करते थे, तो फलित ज्योतिष का कार्य करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहयान ने भी की है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको बताया था फाहयान वाली। ठीक है, तो बहुत से लोगों को याद भी होगा अभी। ठीक है, मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से समझाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों के नाम व कार्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों के नाम व कार्य, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम व कार्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है कालिदास पहले नंबर पे थे। ठीक है, इनके नौ रत्नों की बात कर रहे हैं अब हम, पहले नंबर पे कौन था, तो कालिदास थे। या इनका कार्य क्या था, तो यह एक महाकवि थे। ठीक है, महाकवि के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दूसरे नंबर पे कौन था, तो धन्वंतरी। धन्वंतरी का नाम भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इनका क्या कार्य था, चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वराह मिहिर, इन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में जानकारियां रखी थी। ठीक है, किसके बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह क्या थे, तो कोषकार थे। कोषकार बोले तो हिंदी में कोषकार, इंग्लिश में क्या करते हैं, डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के निर्माणकर्ता थे। ठीक है, मतलब शब्दों के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, अमर सिंह। पांचवें नंबर पे कौन है, शंकु। ठीक है, शंकु जो थे यह वास्तुकार थे। क्या थे, वास्तुकार थे। ठीक है, छठवें नंबर पे कौन है, तो छपड़क। छपड़क के बारे में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन हम लोग बताए हैं, या क्या थे छपड़क, तो रत्न के फलित ज्योतिष थे। ठीक है, फलित ज्योतिष थे। ठीक है, सातवें नंबर पे क्या है, वर रुचि। ठीक है, वर रुचि की बात करें तो वर रुचि जो है यह विद्वान या व्याकरण के बारे में नॉलेज रखते थे। किसके बारे में, व्याकरण के बारे में नॉलेज रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आठवें नंबर पे बेताल भट्ट। बेताल भट्ट दोस्तों यह एक जादूगर था, मैजिशियन था। ठीक है, कौन था, तो बेताल भट्ट जो रहते हैं ये मैजिशियन रहते हैं और यह किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। ठीक है, या फिर विक्रमादित्य के। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, नौवें नंबर पे लास्ट है घटकर्पर। ठीक है, घटकर्पर तो यह क्या थे, महान कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे, महान कूटनीतिज्ञ थे। यह टोटल नौ लोग हैं। ठीक है, और हम सबके बारे में देख लिए एक बार। ठीक है, नौ लोग के बारे में, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको मैंने ये बता भी दिया, एक क्वेश्चन आपके सामने है और उसके माध्यम से हम लोग सारे लोगों को एक बार डिस्कस कर लिए, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है,
गुप्तकालीन में जो है स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो दीनार नाम था उसका। क्या नाम था? दीनार। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी मुद्राएं हैं गुप्तकाल में। गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। डेली यूज के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसके का कौन ऐसा कौन कहता है? चीनी यात्री फाहियान के अनुसार पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। इस ये तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन था, मैंने वहां पे बताया भी है आपको। ठीक है, कि रजत की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता था या रुपयक कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर से रिपीट हो जाता है। गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। ठीक है, और रोज की यूज के लिए क्रय विक्रय जो करने के लिए होता था कि उसे क्या बोलते हैं? कौड़ियों। ठीक है, कौड़ियाँ। नेक्स्ट क्या है आज का अगला क्वेश्चन है? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो दोस्तों सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए गुप्त शासकों में। ठीक है, कौन जारी किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए। देखते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। ठीक है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ये अगर इन इनसे पहले की बात करें हम लोग गुप्त शासक में, क्योंकि इनसे पहले भी गुप्त शासक तो इससे पहले से चल रहा है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने ही शुरू किया ऐसा हमें जानकारी मिलती है। इनसे पहले जो थे ये गुप्त एवं घटोत्कच द्वारा जो है सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, गुप्त शासकों में सबसे पहले कौन सिक्का जारी किया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इन्हीं के द्वारा साक्ष्य प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसके साथ साथ बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त ने भी सिक्के जारी करवाए हैं, लेकिन जो है यह इनका टाइम पीरियड क्या होता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद होता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इनके बारे में। समुद्रगुप्त द्वितीय भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड रहता है यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का रहता है। ठीक है, तो जारी तो इन्होंने भी किए थे, गुप्त काल में ही किए थे, लेकिन सबसे पहले पूछा क्वेश्चन, इसलिए हम चंद्रगुप्त प्रथम को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को टिक करेंगे। ठीक है, ना कि ऑप्शन में समुद्रगुप्त हो तो समुद्रगुप्त को नहीं करेंगे। इसने भी किया था लेकिन बाद में, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे दिया संस्कृत वर्ड, इसका मतलब है कि इससे कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया? संस्कृत, देखते हैं। ठीक है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? तो दोस्तों वह जो है प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है या प्राकृत भाषा बोलते थे। कैसी बोलते थे भाषा? तो प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग जो है संस्कृत भाषा बोलते थे। उच्च वर्ग कैसे लोग? उच्च वर्ग के लोग जो है कैसी भाषा बोलते थे? तो संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, लेकिन जो है अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे, तो स्त्री और शूद्र जो है यह प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, याद करके रखिएगा। ठीक है, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा बोलते थे स्त्री और शूद्र, लेकिन जो उच्च वर्ग के लिए लोग थे वो कैसी भाषा बोलते थे? तो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बस एक दो क्वेश्चन और रह गया, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? एरर से। कहाँ से? एरर से। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरर से प्राप्त हुआ है।
ठीक है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, कब का है, टाइम पीरियड क्या था, तो 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, जो यह एरर से जो अभिलेख मिला है, हमें प्राप्त हुआ है, यह कब मिला है, तो 510 में। ठीक है, यह अभिलेख है कब का, तो 510 का है, ठीक है, सन 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक का एक सेनापति रहता है। क्या नाम से, गोपराज नामक एक सेनापति रहता है। ठीक है, इसकी पत्नी जो रहती है, स्त्री के सती होने का उल्लेख है, मतलब कि इनकी जो पत्नी है, जो है गोपराज की, उनके सती होने का उल्लेख है इस अभिलेख में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ, एरर से। ठीक है, लेकिन कौन सबसे पहले वो है सती प्रथा हुआ था, तो जो है गोपराज नामक सेनापति रहता है, उनकी स्त्री जो होता है, उनकी सती होने का उल्लेख प्राप्त है। ठीक है, 510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का ये हमारा, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों गुप्त काल का जो यह शासनकाल रहता है, इसे स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं एक बार, गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके लिए, क्यों कहा जाता है ऐसा, तो दोस्तों कला एवं साहित्य के कारण। ठीक है, किस कारण से कहा जाता है, तो कला एवं साहित्य के कारण जो है इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, ठीक है, उसका आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ एक नया क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने, उसको नोट करिए और उसका उत्तर सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो यह पर डे का कार्य आप लोग का देख लीजिए। तो जो दोस्तों पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ठीक है, यही क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु चाणक्य रहते हैं। कौन रहते हैं, चाणक्य रहते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया है, चाणक्य दिया है, तो जिनका भी उत्तर चाणक्य है, हर किसी का सही है। ठीक है, और इसके साथ साथ आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसकी रिप्लाई करिए। ठीक है, और जिस किसी को भी पता है वो उसको जो है उत्तर देना है, और जिसको नहीं पता है उसको ढूंढना है और उसके बाद उत्तर देना है। ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आंसर देंगे तो आप ही को फायदा होगा, कम से कम इसी बहाने कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, कि मेरा आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अगले वीडियो में ये भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ऑप्शन है आपके सामने चार, ठीक है, इससे और भी इजी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्ला मला पहाड़ियाँ, ठीक है, नर्मदा घाटी, या फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ, यह चार ऑप्शन है। ठीक है, तो नल्ला मला की मतलब है दोस्तों नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, और आप लोग को वो सही ऑप्शन चूज करना है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं चाहूँगा कि जो है यह आप जो हमारा चैनल है एग्जाम ट्रेंड्स, ठीक है, इसको बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले। और इसके साथ साथ वीडियो पे जब ऐड आता है, तो दोस्तों प्लीज़ मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग स्किप मत किया करिए। ठीक है, ऐड को पूरा देखा करिए, जो है उससे आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारा फ़ायदा है। बस मैक्सिमम जो है 30 सेकेंड 40 सेकेंड के ऐड होते हैं, तो उसमें भी 4-5 सेकेंड के बाद स्किप का ऑप्शन आ जाता है, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत किया करिए। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर किसी को डिटेल में जो है पढ़ना है, किसी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट अगर डिटेल में वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एक और चैनल हमारा कौन सा, Study 91। ठीक है, इसके माध्यम से जो है Study 91 चैनल यूट्यूब पे सर्च करके इसके माध्यम से बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी को अगर मैथ पढ़ना है तो 4G मैथ्स, ठीक है, कौन सा चैनल है, 4G मैथ्स, यहाँ पे